हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, इसलिए मीडिया के मित्रों से सबसे पहले क्षमा चाहते हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और जितनी हम लोग कल्पना नहीं किए थे उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया। 54 सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया और कल 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया। और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम बहुत आभारी हैं, वो समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे, आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके
हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की तीन बातें लाना चाह रहा हूं। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की तीन बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगर मार्ग स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? देखिए, नगरनार में जो स्क्रैप की चोरी हो रही है उसकी जानकारी आज ही हमको मिली है, उसके विषय में हम जानकारी लेंगे और जो भी आवश्यक कदम होगा वो करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि मैं और वो पुरानी सरकार की बात को छोड़ दीजिए, हम लोग जो भी आवश्यक होगा, छत्तीसगढ़ की जनता इतना बड़ा जनादेश हम लोग को दिया है तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसको चरितार्थ करते हुए हम लोग काम करेंगे। सर, मैं संदीप तिवारी नई दिल्ली से हूं। एक एक करके आप एक लेफ्ट फिर सेंटर फिर राइट फिर एक आ जाएंगे बीच से। सर, मैं दीपक विश्वकर्मा इंडिया न्यूज से। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि पुरानी सरकार ने खोखला कर दिया था फाइनेंशियल चीजों को, तो क्या माना जाए, कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं आपकी थी और संकल्प पत्र में, उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, कैसे वो सामंजस्य बैठेगा? उसके लिए हमारी पार्टी में भी कई अनुभवी लोग हैं और फिर अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेजी से चलेगी। आ रही आ रही। मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी समाचार से विकल्प चुका, ये जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को काफी सफलता मिली है। सरगुजा में आपने सारी सीटें जीती हैं, बस्तर में भी काफी सीटों में आपने सफलता हासिल की है, तो आदिवासी समुदाय की आपसे विशेष रूप से अपेक्षाएं हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, आदिवासी लोगों के विकास के लिए आपकी क्या कार्ययोजना है, विकास के लिए आपका विशेष कार्य? विधानसभा 2023 के चुनाव में आदिवासियों का पूरा पूरा आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए हैं, पूरी तरह से सफाया कर दिए हैं। बस्तर में भी 12 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और वैसे आज़ादी के प्राथमिक दिनों में आदिवासी समाज जरूर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल बाहुल एरिया है जो मध्य प्रदेश में था और इस इलाके का समुचित विकास हो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद भारत सरकार में पहली बार ट्राइबल समाज का समुचित विकास हो इसके लिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज पर्याप्त बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद भारत सरकार ने पहली बार ट्राइबल समाज में पिछले विकास हो इसके लिए भारत सरकार ने
आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत पैसा लाया और आज आदिवासी समाज ये भी जानता है कि अगर आदिवासी समाज का मान और सम्मान और विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये बताते हुए मुझे गौरव होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है और ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। पिछले बार 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के कारण आदिवासी समाज थोड़ा भड़काव में आ गया था, लेकिन 5 साल में वो भूल वो सुधर गया और इस बार जब हम लोग जाते थे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए तो सब बोलते थे अपनी भाषा में कि ये दारी नहीं ठगान, पिछले दारी ठगा जाए, ये दारी नहीं ठगान, और इस बार नहीं ठगाए। और जो 5 सालों में उनके साथ विश्वासघात हुआ, वादा खिलाफी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसका मजा कांग्रेस पार्टी को चखाया। मुख्यमंत्री जी, मैं संजय पांडे दैनिक अमृत संदेश इधर से। मुख्यमंत्री जी, 25 तारीख को 2 साल का किसान का बकाया बोनस देंगे क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप लोगों ने पहले ही कैबिनेट में जांच की घोषणा का वादा किया था मुख्यमंत्री जी, इसके बारे में बताया जा रही है। देखिए, हमारे जन घोषणा चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। एक एक करके बोले तो शाहजी, मैं दामू बोल रहा हूँ। शाहजी, आपकी सरकार से शराब आंदोलन शुरू हुए थे और पूर्ववर्ती सरकार ने शराबबंदी को बंद नहीं की, अब फिर बीजेपी की सरकार है, क्या शराबबंदी को बंद करेंगे? शराबबंदी को बंद करना है। चलिए आगे बढ़िए, आगे सवाल विजय जी से है। उसमें आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची थी, उस प्रतीक्षा सूची के लोगों के फॉर्म भराए गए थे, बहुत कम फॉर्म, हमारे पास 7 लाख लगभग आवास के फॉर्म आए थे, अभी तो 18 लाख आवास प्रतीक्षा सूची भी ले ली गई पूरी, और आगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे सारी सूचियों पर काम हुआ है। वो फॉर्म जो प्रतीक्षा सूची करके हमको दिया है वो हमारे पास रखा है, अगर हमारी सरकार ना आती तो फिर हम आंदोलन करते, परंतु आज जनता के आशीर्वाद से सरकार है और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस विषय में विस्तार से आपसे और बताएंगे। आदेश हाँ, मैं कह चुका हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है वो 100% उसका पालन हुआ। मुख्यमंत्री जी, इधर मैं आदेश मलिक से, इधर शायद आवाज आप तक पहुंच रही होगी, चेहरा मैं भी लिखे तो
मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं, ट्राइबल्स को लेकर एक जो मेजर प्रायोरिटी रहेगी आपको वो क्या होगी? देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि जितना मान और सम्मान आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है उतना किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया है। और आज जो भी काम पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हुए वो भी ट्राइबल लोगों के हित में हुए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले ट्राइबल क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी होती थी, लोगों को अनाज नहीं मिलता था खाने के लिए, तो लोग कोदो कुटकी गोंदली खाते थे, महुआ को उबाल के उसमें सरई का बीज मिला के खाना पड़ता था, उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सस्ता अनाज देने का काम शुरू हुआ। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर 2 रुपया में, फिर 1 रुपया में। और इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं, तो ये तो हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भी हर क्षेत्र में 15 साल में विकास के काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इतना तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब माता पिता हैं उनकी बेटी की शादी तक की भी चिंता किए। और हम तो कहते थे कि मतलब इतना काम किए कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है तब से लेकर मृत्यु तक सरकार कोई ना कोई योजना चलाकर उनका सेवा करने का काम की। इसमें ज्यादा आदिवासियों को भी तो लाभ हुआ है। भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेंस की नीति की आप लोगों ने जो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो पिछले 15 सालों में जो सरकार थी आपकी उस समय भी जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर आप लोगों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, तो क्या जीरो टॉलरेंस के लिए क्योंकि राजस्व विभाग से लेके रेत खनन से लेके हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का अभी आज भी छोटे छोटे काम करवाएंगे, तो आपकी सरकार इस दिशा में क्या पहल करेगी? बिल्कुल, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी और कोई भी भ्रष्टाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी कोई चीज सामने आने पर उस पर जांच करके दोषी पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई सरकार करवाएगी। सर, मैं अभ्यास पाटिल खबरवन न्यूज से, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो जन घोषणा पत्र दिया गया है उसके अलावा कांग्रेस जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही थी जैसे बिजली लाभ वगैरह, ये कंटिन्यू रहेगा कि इसे बंद कर देंगे आप लोग? ये सब की समीक्षा करेंगे और जैसा उचित होगा वैसा निर्णय आने वाले समय में लेंगे। इस दिशा में सोचेंगे, कहे कि पिछली सरकार ने तो अपना वोटिंग बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, लेकिन कैसे धर्मांतरण पर रोक लगे इस पर हमारी सरकार सोचेगी। आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि 15 वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और अब जो हमारी सरकार है ये भी लड़ेगी। मैं संजय शेखर हूँ। सवाल यह है कि आप लोगों ने ESG को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था पूरे चुनाव अभियान के दौरान,
और पीएम साहब से लेकर के आपके तमाम नेताओं ने आप सब ने कहा था कि सरकार बनेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने उसके लड़कियां दी है उसके खिलाफ। तो पहले कैबिनेट हो गई, आगे क्या आपका रुख है उस पर पीएससी, क्योंकि पूरे प्रदेश के युवा जो है आपकी तरफ देख रहे हैं। उस पर भी हमने कहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, इंतजार करिए, उस पर भी उचित कदम लेंगे। लास्ट फाइव क्वेश्चंस लेंगे। राजकीय को लेकर खूब बात हो रही है सर, सतहत्तर सवालों में राजकीय नहीं बचा जाने को लेकर कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। राज्य गीत अच्छा हो राजभवन तय करता है, राजगीत पूरा सम्मान है, राजगीत के देखिए राजगीत के प्रति पूरा सम्मान। हाँ, जो राजगीत है उसके प्रति हम लोग सब आदर का भाव रखते हैं, लेकिन ये सारा कार्यक्रम ये राजभवन तय करता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। अरे अभी तो कॉलेज सब बदले हैं भाई, थोड़ा इंतजार करिए ना। होता जी बोली सब करेंगे। राम भगवान के लिए राम वनगमन परिपथ योजना चला रही है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है, अब आप लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे या उसे लेकर क्या करेंगे? हम तो शुरू से मतलब हमारे आराध्य श्री राम है, अब ये लोग तो पाखंड किए ना, पाखंड किए वोट लेने के लिए, ये सब सारा नौटंकी किए, लेकिन जनता तो नौटंकी समझती है ना, उसका परिणाम देख लिए ना लोग 35 में आ गए। सब इंतजार करिए, सबके साथ न्याय होगा। जिन पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के या बाकी लोगों के घरों में पुलिस भेजकर डराते थे, आज भी वो पद पे विराजित है, कब तक निपटेंगे? इंतजार करिए। सीएम साहब मेरा क्वेश्चन है, सीएम साहब मेरा क्वेश्चन है, मैं एसपी त्रिवेदी खबर खास से हूँ। देखिए जितनी भी सरकारें आती है अपनी योजनाओं के नाम से ही जानी जाती है, तो आपकी ये जो सरकार है, जो ये पंचवर्षीय जो सरकार चलेगी, इसमें ऐसी कौन सी योजना लेके आएंगे जिसमें आपका नाम चले? जो मोदी की गारंटी में है उसको आप एक बार पूरा समझ लीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर तो मिलते रहेंगे। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे सीएम विष्णुदेव साय को, जिन्होंने पहली कैबिनेट के बाद जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी दी, और जिसका इंतजार सभी को था, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी जाएगी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक गारंटी को हम पूरा करेंगे। तो 18 लाख पीएम आवास योजना को स्वीकृति दे दी गई, और इसके साथ ही 2 साल का बोनस भी देंगे 25 दिसंबर को। उन्होंने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 25 दिसंबर के ही दिन धान का बोनस 2 साल का दिया जाएगा, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि 18 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे। तो सभी इंतजार कर रहे थे कि पहले कैबिनेट की बैठक में कौन से फैसले लिए जाएंगे, और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया, भगवान राम के नाम के उपयोग को लेकर के उन्होंने तंज कसा कांग्रेस के ऊपर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की है, कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। पहली गाजगिरी है बृहस्पति से, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे, और भी बहुत लोग पधारे थे, आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं वो समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगर मार्ग स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं और समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा, और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूं। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। नगरनार स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहां चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहां ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं वो समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगर मार्ग स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं उस समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा, और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे, आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की तीन बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं माइक ले लूंगा। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की तीन बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगरनार स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं वो समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगर मार्ग स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं और समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा, और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। लगातार स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं उस समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा, और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे, आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की तीन बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की तीन बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। लगातार स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं और समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूं। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। नगरनार स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहां चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, इसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहां ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं वो समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की तीन बातें लाना चाह रहा हूं। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की तीन बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। लगातार स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहां चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहां ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं उस समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा, और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूं। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगर मार्ग स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं और समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगर मार्ग स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी CM के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम
बहुत आभारी हैं और समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे, आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। एक परिचयात्मक बैठक और कैबिनेट बैठक के पश्चात, चूंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, द एपीएन न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, आपके संज्ञान में बस्तर से बस्तर की तीन बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज़ से बस्तर की तीन बातें